हेलो दोस्तों दोस्तों आज पैशन प्रो मेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आया था बता रहा हूँ। मेरी गाड़ी का जो पिछला टायर है वो स्लिप कर रहा था। स्लिप करते करते मतलब हल्का सा ऐसा लग रहा था कि बैलेंस ऐसे ऐसे पीछे की तरफ का जो बैलेंस है वो मेरा थोड़ा डगमगा रहा था। तो मैं चेक भी करवाया तो वो बोल रहा था कि टायर तो सही है तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं था वो बोल रहा था। वो मुझे बताया दोस्तों यहाँ से प्रॉब्लम था, यहाँ के जो चूड़ी और कटोरी रहती है जो भी है उसका उसमें प्ले आ गया था काफ़ी। मतलब वो उसमें ये देखिए दोस्तों, तो ये चेंज किया है और एक यहाँ का चेंज किया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था इसके कारण जो मेरा जो पीछे का जो टायर था वो दोस्तों ऐसा हल्का सा प्ले आ रहा था उसमें, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों बने रहिएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या कैसा बनाया है। तो मैं बताऊंगा कितना खर्चा आया है, कितना चेंज किया है और कितने के मेरे ये सब लगे हैं। तो दोस्तों ये पूरा देखिए, यहाँ से ये पूरा चेंज किया है और ये तो कितना लगा है और सर्विसिंग भी करवाया हूँ दोस्तों। सर्विसिंग का नहीं जोड़ूंगा, सर्विसिंग का कुल बता दूंगा दोस्तों कितना हुआ है, क्या काम काम करवाया हूँ। और सर्विसिंग में मैं जानते हैं सर्विसिंग में ऑयल चेंज करते हैं और पूरा जो भी। और उसके ये देखिए दोस्तों, ये पूरा उसने खोला था, ठीक है। तो वीडियो पे बनाइए, बने रहिएगा, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि क्या कैसे उसने काम किया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बताना भूल गया था मैं आपको कि ये दोस्तों मेरा सबसे पहले जब से गाड़ी मैंने लिया है तो ये मेरा सबसे फर्स्ट टाइम ये इसका काम हुआ है। तो इसलिए ये जो इसकी कटोरी थी वो हो सकता है कि जो प्ले बोलते हैं लोग, यानी कि जो कटोरी है वो थोड़ा सा घिस गया होगा, ठीक है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कितनी गाड़ी चल गई है मेरी। ये देखिए दोस्तों, लगभग 45,000 होने वाला है, देख सकते हैं। तो ये दोस्तों ये जो मेरा काम हुआ है, ये हिंडल वाला जो था ये मेरा फर्स्ट टाइम काम हुआ, तो कितना आया मैं बताऊंगा आपको। हम लोग भी देरी नहीं करते हैं, इनका कौन सा जो छोड़ देते हैं सवाल है तो लास्ट चार्ज का ये सब के काम पकड़ भैया का हो गए भाई जो आए दोस्तों पूरा सामने का हिंडल जो है उसको खोल लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है जो पाइप देख सकते हैं ये, ठीक है, हेडलाइट किनारे है। और वो जो बीच वाला जो पाइप है जो होता है वो बाहर निकाल के उसका पूरा जो कटोरी दोस्तों वो निकाल लिया गया है। नई कटोरी दिख रही है दोस्तों, नया पैकेट निकाला गया है। इसको निकालने में दोस्तों आसानी नहीं होती है, मैं बता दिया हूँ कि कितना चार्ज लगा है, ठीक है। तो उसमें प्लस ये देखिए दोस्तों, ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ता है, जो भी रिंग दिया हुआ है उसको ग्रीसिंग करके नया ग्रीसिंग करेंगे क्योंकि दोस्तों ये पूरा नया है। तो उसके बाद उसको सेट किया जाता है। ये देखिए ये पाइप रखा हुआ है जो, ठीक है, ठीक। तो उसके ऊपर आगे पीछे दोनों सेट करके रिंग लगा के उसको फिट किया जाएगा। वीडियो देखते रहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो है 225 रुपये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, सर्विसिंग में दोस्तों मैं बताना भूल गया था, ऑयल चेंज तो करते हैं और फ़िल्टर साफ़ किया था दोस्तों। तो फ़िल्टर साफ़ ऑयल, ठीक है, मैं बता दिया हूँ कि कितना चार्ज लगा है, ठीक है। तो उसमें प्लस ये देखिए दोस्तों, ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ता है, जो भी रिंग दिया हुआ है उसको ग्रीसिंग करके नया ग्रीसिंग करेंगे क्योंकि दोस्तों ये पूरा नया है। तो उसके बाद उसको सेट किया जाता है। ये देखिए ये पाइप रखा हुआ है जो, ठीक है,